दोस्तों 2 सितंबर को बिग बॉस 13 के जो कंटेस्टेंट थे सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी मौत हो गई, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना थी हमारे बॉलीवुड के लिए, हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि ये गर्व थे सिद्धार्थ शुक्ला और बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे। कई सारे उनके फैंस थे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे उनके सपोर्टर्स थे, लेकिन अचानक से उनकी डेथ हो जाना सबको शॉक कर गया। उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा शॉक था और सबसे ज़्यादा शौक था उनके चहेतों के लिए। उनकी माँ रीता शुक्ला, जो कि ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड हैं, ब्रह्म कुमारी की मेंबर हैं। ब्रह्म कुमारी वो होता है जो लोगों को हील करता है, यानी कि अगर आपको कोई कष्ट है तो आपके कष्ट को वो निवारण करते हैं और प्रवचन देते हैं, लोगों से जुड़े हुए लोगों को सांत्वनाएं देते हैं और ऊपर वाले से जुड़ने के लिए मार्ग बताते हैं। तो रीता शुक्ला जो कि बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, उन्होंने अपने आप को संभाला, कैसे उन्होंने क्रिया कर्म किया, कांड किया, और उनकी बातों से लगा हमें कि वास्तव में बहुत स्ट्रांग लेडी हैं। लेकिन जिसे सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है, जिसके दिल को सबसे ज़्यादा आहत हुई है, वो है बिग बॉस 13 की एक और कंटेस्टेंट शहनाज गिल, जो कि साथ में जिन्होंने काम किया है सिद्धार्थ के, और सिद्धार्थ की बहुत करीबी थी। तो जिस दिन से सिद्धार्थ की मौत हुई उनको इतना ज़्यादा शौक पहुँचा है कि वो अभी तक उठ नहीं पा रही हैं, और हालांकि बीच में कुछ तबीयत का सुधार हुआ था, लेकिन अभी उनके जो करीबी हैं वो बता रहे हैं कि उनकी तबीयत में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो रीता शुक्ला जी जो कि बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, वो उनके घर पहुंच गई उसे सांत्वना देने के लिए, और वो चाहती हैं कि वो जल्दी से जल्दी काम पर लौट जाएँ, क्योंकि अगर हम काम पर लौटेंगे हमारा दिल किसी और चीज़ में लगेगा तभी हम पुराने घावों को भूल सकते हैं। तो हम शहनाज गिल जी के लिए एक बार दुआ करते हैं उनके हक में कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो कि मौत हुई है, जो कि पूरी नहीं की जा सकती किसी भी चीज़ से, लेकिन उनको भूलने में भगवान मदद करें और सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति दें। हालांकि उनके जो परिवार हैं और उनके इष्ट मित्र हैं वो दुआएं कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं, उनको लगातार उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम उनको दे रहे हैं, ताकि वो थोड़ा सा उस सदमे से बाहर निकलें। और अभी एक खबर भी आई थी कि उनके जो पिता हैं शहनाज गिल जी के, उन्होंने एक टैटू भी गुदवाया था अपने हाथ पे, जिसका जिसमें शहनाज गिल लिखा हुआ था। तो आगे हम अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हो वॉच नाउ, मेरा नाम है गौरव मिश्रा।